सलाम अलैकुम तीनों रात, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। भाई फाइनली पेपर इस बार ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा ब्लॉग के ऊपर आ चुका हूँ मैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि पेपर्स में मशरूफ हूँ तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा। आज तकरीबन कोई एक महीने के बाद दोबारा ब्लॉग आ रहा है इंशाल्लाह। तो अभी मेरे आँखों में आप लोग को आंसू दिख रहे होंगे, तो ये मत समझिएगा मैं रो रहा हूँ। रो नहीं रहा क्योंकि अभी कट रही है प्यास। प्यास क्यों कट रही है भी आपको बताता हूँ। प्यास कट रही है तो उसकी झल इतनी तेज़ है कि पूरे घर में वो महकी हुई है, तो सब रो रहे हैं मतलब प्यास की वजह से। तो आज के ब्लॉग का जो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है और टाइटल थंबनेल सब देख लिया, टॉपिक निकल गया जल्दी से। तो अभी मैं आप लोग को सब चीज़ें दिखाता हूँ। और ब्लॉग क्या है, ब्लॉग ये है कि आज हलीम बना रहे हैं हम लोग भाई छत पे, क्योंकि आज है तकरीबन 10 मुहर्रम लग चुका है, 9 मुहर्रम था, रात हो गए 10 लग गए। अभी अभी मैंने बोला यार ब्लॉग स्टार्ट कर दो, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आप लोग को सब चीज़ें अभी दिखाता हूँ, इंट्रो खत्म हुआ आप लोग को जाके अब चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या चलता है हलीम के अंदर। बोल नहीं पा रहा भाई। अभी मैं आप लोग को हलीम की जो चीज़ें हैं वो सारी दिखाने वाला हूँ। तो ये है कि अभी इसके अंदर ये मेरे ख्याल गेहूँ है भिगा हुआ फुल VIP तरीके से, शाम से भिगा हुआ। ये चने की दाल है, आरिफ साहब छीके मार रहे हैं फुल, इन्होंने ढक्कन हटाया। और यहाँ कट रही है प्याज, हमारे कज़न आए हुए ये बना कर रहे हैं, मुझे मत दिखाओ लेकिन पर्दा करते ना वो, तो अभी प्याज काट रहे हैं वो, अच्छी गादी कट चुकी है। मैं तो नहीं काटता भाई, मैं क्योंकि तकरीबन जो काम करने गए थे कर लिए। ये सामान मैं लेकर आया हूँ। और ये अभी सीन ऐसा है कि मैं आप लोग को छत का थोड़ा सा टूर कराता हूँ। छत के टूर जाने से पहले आपको फिर दोबारा आंसू आने लगते हैं। आ रहा है डायरेक्ट देख के अंदर, आधी देख का ऑर्डर आया भरने का, तो हम आधी देख भर रहे हैं पानी की, तो तकरीबन होने वाली है, उसको बंद करता हूँ फिर। मैं निकल गया यार, ये देखे निकल गया, अब यहाँ से वासी लगाता हूँ। लग गया, लग गया अबे भैंस की टांग, कहाँ चला गया पानी यार, सारा गली में जाएगा फिर निकल गया, भैंस की टांग हो गई। पानी तो फुल है भी उबल चुका है, अगर आप लोग को दिख रहा हो कैमरे की आँख में, तो ये कितनी आँच पे हवा भी चल रही है। और ये सामान ऊपर आ चुका है, इसने बहुत बुरा लगाया है भाई आज, कहने की दवा। अब मोबाइल अंदर ले आ सकता है वरना हीट इसको कुछ और कर देगी, चेक करते हैं यार। अभी तो खाली मैं चेक मार रहा हूँ पानी के अंदर खाली गोटा चला के, लेकिन जब दाल और कोरमा डल जाएगा ना फिर उसको टस से मस करना एक पहाड़ के बराबर है। इतना कोई जाम हो जाता है, हमारे बस की बात तो नहीं है, बड़े ही लोग पे लगा सकते हैं। हो सकता है दाल में लगा लेता हूँ मैं, कोरमा जब डल जाता जब नहीं लगा पाता, बहुत ताकत लगानी पड़ती है मेरी भाई। ये तो अभी बहुत आसान है, जब दाल डल जाएगी थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जब कोरमा डल जाएगा तो फिर तो वबाले जान बन जाएगा, बहुत मुश्किल है भाई बहुत। अभी सब नीचे खाना खा रहे हैं, मैं भी नीचे आके खाना ही खाता हूँ। चुप वाले पाए हो रहा ना भाई, 4:30 बज चुके हैं, हाँ ऑलमोस्ट 4:30। अभी मैंने जो दो वीडियो बनाई हैं वो उसकी हैं, ये कोरमा बन के ही नहीं दे रहा है, पता नहीं कौन सा गोश्त था हमारी गाय का, अल्लाह माफ़ करे, गल के ही नहीं दे रहा है। अभी मैं थोड़ा अंदर आया, मेरा बाहर थोड़ा कमेंट्री नहीं कर रहा, आवाज़ मेरा मोबाइल की थोड़ी माइक
इतना अच्छा नहीं है कि आवाज़ आया। वो मैं जो पिछले शुरू के इंट्रो इंट्रो लिए थे ना, वो दूसरे मोबाइल के, तो उसमें अच्छी आवाज़ आ रही थी। तो अभी मैं बोला अंदर आकर एक वीडियो बता दूँ, वैसे वीडियो बना ली, आके आप लोग को बता दिया इन डिटेल में। देखते हैं कब तक के कोरमा वोरमा बनता है। 4:30 तो बज चुके हैं, मेरा तक के ख्याल है 7 साढ़े 7 तो बजेंगे। देखते हैं क्या होता है, बेदार हो चुके हैं बैठे बैठे। वाओ अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, अब लाइट तानने का वक्त हो रहा है। लेकिन लाइट जो है वो मैं जब ऊपर से एक व्यू चेक करें कैसा आता है। टायर लग रहा गाड़ा गाड़ा। अभी रख दो, मैं लपेटता हूँ। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, नहीं मक्खियों ने परेशान करा हुआ है यार। ये आप देख सकते हैं माहौल तो बारिश वाला है, लेकिन बारिश तो होगी नहीं अभी, और बाजार का वक्त नहीं है, 6:30 बजे। आज सुबह क्या आ चुका है, लाइट का काम हो चुका है ख़त्म। वो भाई ने तो काफ़ी ज़्यादा खोल ले गया। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर आपको जाके दिखाते हैं। अबे हाँ, गाड़ी का गेट खुला हुआ है, उल्टा सीधा आ रहा होगा, है ना। हाँ। लाइट लपेट रहा हूँ मैं, और मोबाइल वाले पकड़ा दिया आयरस के हाथ में, थोड़ा आगे आओ। और हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई फॉल टाइप की, वो बड़ा अच्छा मौसम हो चुका है। पूरी रात भी बारिश नहीं हुई, अच्छा मौसम रहा, अभी भी कुछ भी नहीं हुई। इस लाइट ने बहुत अच्छा साथ दिया, लाइट मतलब मैंने पूरी ऊपर से लगा दी तो ऊपर से फोकस पड़ रहा था पूरा, बेहतरीन सेटअप, बहुत अच्छा खा था। तो अब सीन ये है कि नीचे आके आप लोग को हलीम का थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ये सब। ख़त्म भाई हलीम की जो पूरी दावत थी। अब जब सब कुछ हो गया तो धूप भी निकल आई, आसमान भी खुल गया, तकरीबन सब हो गया। लेकिन जब हलीम बांट रहे थे तब बारिश हो रही थी। अंदर जाके आप लोग को एंड करते हैं। हाँ भाई, तो भाई फुल अब आंखें नींद से भरी पड़ी हैं, और सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। और जहाँ तक के मेरा ख़्याल है कि व्लॉग वाला कब तक के आएगा, आज हफ्ता है, मैं कोशिश करूँगा कि इतवार को डाल दूँ, हद मार के पीर तक के इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो कैसा लगा यार हलीम का व्लॉग, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। मिलता है इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, किसी और कॉन्टेंट में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।